अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जी। भाईजान कैसे हैं? सब ठीक ठाक। मैं हूं हकीम इस्तखार अशरफ और आज आपको मैं बताने लगा हूं दलिया के मुतालिक। ठीक है जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपको दलिया के मुतालिक, ये देखें जी, दलिया मैंने अभी बांटना है, दलिया के मुतालिक बताने लगा हूं इसके क्या फ़वाद हैं। ये देखें जी, अभी एक एक तैयार हो रहा है पतीला और एक तैयार हो चुका है। ये देखें ये इसके फवाद ये हैं। मैदे का जो प्रॉब्लम होता है ना, जिनको कब्ज़ वगैरह रहती है लगातार और मैदा नरम नहीं रहता जिन भाइयों का, वो लगातार कोशिश करें रोज़ दिन में एक दफ़ा लाजमी दलिया खाएं। ठीक है जी, ये गुड़ का बना हुआ दलिया, दलिया हाजम होता है और ये नरम ग़ज़ा में आता है। ठीक है जी, ये नरम ग़ज़ा है और आप कोशिश किया करें। जिन भाइयों का ख़ास तौर पर आजकल मैदे का बहुत ज़्यादा मसला है तो वो लगातार दलिया का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तंदुरुस्ती से देगा। दलिया बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी। ठीक है जी, जवान के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मैं बांटने लगा हूँ, जिन भाइयों ने खाना है आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम।